हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र और आपका वेल विशर। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हर रोज़ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास लेके आ रहा हूं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक FD के बारे में, यानी कि टैक्स सेविंग FD के बारे में। मैं आपको बैंक FD के कुछ प्लस पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। लेकिन एक बात मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद बैंक FD को नेगेटिव साबित करना या पॉजिटिव साबित करना नहीं है। मुझे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं अपने व्यूअर्स को हर चीज़ का जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उससे मैं अवगत कराऊं। डिसीज़न लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको उसके दोनों पहलू बता सकता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। बैंक FD आखिर है क्या? दोस्तों, बैंक FD जो कई सारे बैंक्स हमारे देश में काम कर रहे हैं उनके थ्रू, और कई सारे जो NBFCs हमारे देश में काम कर रहे हैं जिनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोला जाता है, उनके थ्रू प्रोवाइड किया जाने वाला एक निवेश का माध्यम है, जिसमें आपको रेट ऑफ़ इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता है और एक गारंटेड रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर मैं इसके ड्यूरेशन की बात करूँ तो ये 7 दिन से लेकर के मैक्सिमम 10 ईयर्स तक का ड्यूरेशन इसमें आपको मिल जाता है। जिसमें एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं होता। बैंक एक अमाउंट, एक रेट ऑफ़ इंटरेस्ट आपको कन्फर्म करता है और वो आपको गारंटेड मिल जाता है। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और बैंक FD करने का एक और फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, उसका एक प्लस पॉइंट ये मैं उसको कह सकता हूँ कि बैंक FD जो है वो लिक्विड कैश के तौर पे भी यूज़ की जा सकती है। मतलब उसके थ्रू जो इंटरवल्स में जो आने वाला इंटरेस्ट है उसको आप अपने रेगुलर नीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म अगर आपको कोई ज़रूरत है तो उसके थ्रू आने वाला जो इंटरेस्ट है उससे आप अपना खर्चा चला सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक और क्या इसका प्लस पॉइंट है उसके बारे में। दोस्तों, अगर आपका बैंक FD का टेन्योर पूरा हो चुका है और अगर आप उसको दोबारा रिन्यू कराना चाहते हैं तो उसको आप रिन्यू भी करा सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके वो नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जो बहुत ही पेन पॉइंट हैं इसके, और काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होते हैं। सिर्फ लोग एक ही पहलू पर ध्यान देते हुए बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट बैंक में FD के तौर पे आज के डेट में भी जमा कर रहे हैं, लेकिन उनको वो नेगेटिव पॉइंट्स आपको नहीं पता हैं जो बैंक आपको बताना नहीं चाहता, जो NBFCs आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए, अब मैं नेगेटिव पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ ताकि आप एक फेयर डिसीजन ले पाएँ कि आपको बैंक FD करना है या नहीं करना है। मैं आपको उसके नेगेटिव पॉइंट बता देने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, बैंक की FD का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो मैंने बोला 5.5% से लेकर के आपको 7.5% तक का अमाउंट मिल सकता है, बशर्ते ये गारंटेड आपको मिलेगा, नो डाउट। लेकिन दोस्तों, आपको पता है 2018 में भारत में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना था? इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, क्योंकि 2019 का जो इन्फ्लेशन रेट था दोस्तों 7.66% था, मतलब 2018 से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा। तो आपको पता है हर साल हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इसका जो स्टैंडर्ड एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करा रहे हैं वो मैक्सिमम 8% तक का है। और मैं 10 साल के टेन्योर की बात कर रहा हूँ, और आज से 10 साल के बाद कैन यू इमेजिन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, और कैन यू इमेजिन कि इन्फ्लेशन रेट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। हर साल 2% की अगर दर से हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो आज से 10 साल बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, बैंक FD एक उचित माध्यम इस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के हिसाब से देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट ये साबित हो जाता है कि इन्फ्लेशन रेट से भी कम, मतलब आपके पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उतना नहीं बढ़ पाता है जितना आपको चाहिए। मतलब अगर बात करें 10 साल के बाद में जो आपको रिटर्न मिलेगा, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपके पैसे की वैल्यू और कम हो जाए। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और आप कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या मेरा बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे मिलने वाला है वो इन्फ्लेशन रेट को बीटअप कर पा रहा है या नहीं। बात करते हैं नंबर सेकंड नेगेटिव पॉइंट के बारे में, FD की वो नेगेटिव पॉइंट जो आपको पता नहीं है। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, अगर पूरा नहीं देखा तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला। बैंक का जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों,
वो क्या होता है, टैक्सेबल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? टैक्सेबल इंटरेस्ट। बैंक का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब वो टैक्स फ्री रिटर्न नहीं है। मैं आपको इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है, उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। ये एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट है बैंक FD के बारे में, फिक्स डिपॉजिट के बारे में, जो लोगों को कई बार बैंक नहीं बताता है। नंबर थर्ड निगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ध्यान से सुनिएगा। बैंक का जो FD आप बैंक में करने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें आपको किसी भी प्रकार का रिस्क कवरेज या इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए मिस्टर श्याम हैं जिन्होंने 1 करोड़ का बैंक में FD किया है, उन्होंने ये सपना देखा था कि जी 10 साल बाद मेरे को 2 करोड़ रुपये मिल जाएगा, या जो भी उनके बैंक ने उनको कमिट किया होगा, उन्होंने वो सपना देखा और 1 करोड़ रुपये इकट्ठा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। भगवान न करे कल अगर श्याम जी के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई मिसहैपनिंग होती है और वो 2 साल के बाद इस दुनिया से एग्जिट हो जाते हैं, तो बैंक कितना रुपया देगा? कैन यू इमेजिन? बैंक क्या करेगा, 1 करोड़ रुपये जो उन्होंने डिपॉजिट किया था वो उनको रिटर्न करेगा, प्लस जो भी 2 साल का उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी इंटरेस्ट उन्होंने अर्न किया था वो इंटरेस्ट अलग से रखेगा, उसमें से अपना टैक्स काटेगा और जो फिर बचेगा वो उनके घर वाले को वापस करके बैंक की FD को टर्मिनेट कर देगा। मतलब उनके जाने से उनका जो फाइनेंशियल लॉस उनकी फैमिली को हुआ है, उसका कोई भी बेनिफिट बैंक FD की तरीके से, बैंक की तरफ से उनके फैमिली को नहीं मिल पाएगा। दिस इज़ द वेरी वेरी निगेटिव पॉइंट ऑफ बैंक FD। आपको अब डिसीजन लेना है कि आपको इसके सोल्यूशन के आधार पर क्या करना है। उम्मीद करता हूँ ये फेयर पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और मैं अब कल जो वीडियो लेकर के आने वाला हूँ उसमें मैं इसका आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। कल मैं आपको एक ऐसा FD का माध्यम बताने वाला हूँ जिसमें, देखो बैंक में आपने जो FD की उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपये इकट्ठा देना पड़ा, राइट। जो भी आप बैंक में FD करेंगे आपको इकट्ठा वो सारा का सारा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कल एक ऐसी FD के बारे में बताने वाला हूँ जिसका पैसा आपको इकट्ठा देना भी नहीं है, और जिसका पैसा आप तोड़ तोड़ के दे सकते हैं, और जिसकी वैल्यू हर साल आपकी बढ़ती रहेगी। आप पैसा निकालते रहोगे वैल्यू बढ़ती रहेगी, पैसा निकालते रहोगे वैल्यू बढ़ती रहेगी, है ना, इंटरेस्टिंग। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू सी द नोटिफिकेशन व्हेन आई जस्ट अपलोड द वीडियो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल फोन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप मुझे कमेंट करते हैं आई गेट मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।